सरकार को बड़ी राहत मिली। दरअसल हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जाति आधारित सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। इस मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ये सर्वे जनवरी के महीने में शुरू कर चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। सर्वे 2 चरणों में किया जाना था। पहला चरण जनवरी में किया गया था, जिसके तहत घरेलू गिनती का अभ्यास किया गया। सर्वे का दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूरी प्रक्रिया इस साल मई तक पूरी करने की योजना थी, लेकिन 4 मई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिहार में जारी रहेगी जातीय जनगणना। नीतीश सरकार की बड़ी जीत, 25 दिन बाद आया फैसला। चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। सरकार मान रही स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना। लगभग 80% जनगणना कार्य हो चुका है पूरा। पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना को लेकर मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा। सरकार इसे स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना मान रहा है, जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। पटना हाईकोर्ट जातीय जनगणना को लेकर मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। हाईकोर्ट ने एक लाइन में आदेश पारित किया ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने और बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। जब हाईकोर्ट ने पहले आदेश पारित किया था कि स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, एक तरह से सेंसस कर रही है। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे। लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है, इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसलिए भी जातीय गणना जरूरी है। आपको बता दें कि इस मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बीते महीने लगातार 3 जुलाई से 7 जुलाई तक 5 दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ताओं और बिहार सरकार की दलीलें सुनी थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 दिन बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों से सुनवाई की। दरअसल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के अंतिम दिन भी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया था कि वह सर्वेक्षण है। इसका मकसद आम नागरिकों के बारे में सामाजिक अध्ययन के लिए आंकड़े जुटाना है। इसका उपयोग आम लोगों के कल्याण और हितों के लिए किया जाएगा। महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट में कहा था कि जाति संबंधी सूचना शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश या नौकरियों के लिए आवेदन या नियुक्ति के समय भी दी जाती है। शाही ने दलील दी कि जातियां समाज का हिस्सा है, हर धर्म में अलग अलग जातियां होती हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की कोई जानकारी अनिवार्य रूप से देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा रहा है। ये स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना है, जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सर्वेक्षण से किसी की निजता का उल्लंघन नहीं हो पा रहा है। पीके शाही ने कोर्ट में कहा कि बहुत सी सूचनाएं पहले ही सार्वजनिक होती हैं। कब शुरू हुई प्रक्रिया? नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास कराया। केंद्र सरकार इसके विरोध में है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। जनवरी 2023 से शुरू हुआ जनगणना कार्य इसे मई तक पूरा किया जाना था। बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।